तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर का ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका हमने यूनिट वन चल रहा है अभी, और उसका पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम फिर हाजिर है इसका पार्ट फाइव लेकर। तो देखो, पार्ट फोर में हमने क्या पढ़ा था, हमने कुछ हाइपोथेसिस पढ़ी थी। किस किस की? नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ी थी हमने, और एक दूसरी पढ़ी थी प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। तो इन दोनों से हमने ये जाना कि हमारा जो सोलर सिस्टम कैसे बना, और प्लैनेट का जन्म कैसे हुआ, और सन का कैसे जन्म हुआ। ये अर्ली थ्योरीज के हिसाब से था, ये बात याद रखना। वो कौन सी थ्योरीज थी? अर्ली थ्योरीज, क्योंकि अभी हम मॉडर्न थ्योरीज भी पढ़ने वाले हैं, तो आप मिक्सअप मत करिएगा। वो थी हमारी अर्ली थ्योरीज, उनके अकॉर्डिंग हमने ये जाना कि हमारे सोलर सिस्टम कैसे बना। तो चलिए आज हम उसी सोलर सिस्टम को अच्छे से जानेंगे कि सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, और उसके कुछ बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए कुछ पढ़ते हैं। इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक होती है, माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इससे क्या होता है, देखो, एम से मर्क्यूरी, वेरी से वीनस, एफिशिएंट से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व से सैटर्न, अस से यूरेनस, नट से नेपच्यून। तो इन सबको याद करने का तरीका ये सिंपल सा है ट्रिक। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। देखो, द कॉन्ग्रेगेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज नोन एज सोलार सिस्टम। तो क्या होता है, द ग्रुप, अब कॉन्ग्रेगेशन का क्या मतलब होता है, ग्रुप। द ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट इज नोन एज सोलार सिस्टम। तो जो स्टार और प्लैनेट का ग्रुप होता है, इसी को हम सोलार सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि यहां देख भी रहे हैं, ये सन है, और ये सारे, ये क्या है, ये हमारा एक स्टार है, ये तो पता ही होगा, ये स्टार है, और ये सारे क्या है, प्लैनेट है। तो ये चीजें तो पता ही है हमें पहले से, इसके बारे में क्या आगे, क्या तो आगे हम बताते हैं अभी। तो चलिए, अब सोलार सिस्टम, एक प्लैनेट, वन सन यानी स्टार, न्यूमरस माइनर प्लैनेट, प्लैनेटोइड्स एंड एस्टेरॉइड्स। तो ये क्या होता है, प्लेनेटोइड और एस्टेरॉइड। देखो यहां पर अगर देखें तो सबसे पहले हमारा मर्क्यूरी आता है, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, उसके बाद हमारी आती है एस्टेरॉइड बेल्ट। अब ये एस्टेरॉइड क्या होता है, कुछ बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। ये एक रॉकी सब्सटेंस होता है, यानी पत्थर होता है, अलग अलग इनका ग्रुप होता है, और जो कि रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। और कैसे रिवॉल्व करते हैं और क्यों रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि सन की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसी की वजह से जो हमारी ये सब चीजें सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ये तो सबको पता ही होगा, ये रिवॉल्व और रोटेशन दोनों करते हैं, सारे रोटेट करते हैं और सारे रिवॉल्व करते हैं। ऐसे ये एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, यानी कि पत्थर होता है, रॉकी सब्सटेंस, जो कि ये भी एक ग्रुप में, देखो ग्रुप बना हुआ है ना, इसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये भी रिवॉल्व करते रहते हैं ग्रेविटेशनल के थ्रू। तो अब देखो, जो एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर होते हैं, इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट, और जो इसके बाहर होते हैं, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। तो ये बात याद रखिएगा, इनको दोनों को बता दिए, ये क्या है, इनर प्लैनेट, वो होता है आउटर प्लैनेट। अब समझते हैं, देखो, प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट। तो क्या इनके पास, इनकी ऑन लाइट नहीं होती, क्या होता है, ये सन से ही चमकते हैं, यानी सन की लाइट ही इन सब प्लैनेटों पे जाती है, तो इनकी खुद की कोई भी लाइट नहीं होती। अब एक बात बता दूं, जो ये वीनस और यूरेनस, ये क्या करते हैं, ये अलग घूमते हैं, यानी कि इसको ये कभी उससे समझते हैं। अब ये देखिए, ये सन है, अब ये इधर की तरफ, मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है ये प्लेनेट, तो ये रोटेट भी किस तरफ ही होगा, ये इस तरफ ही रोटेट होता है, यानी कि ये इधर की तरफ रिवॉल्व भी इधर की तरफ होगा और रोटेट भी इस तरफ होगा ऐसे, ठीक है, तो रोटेट भी इस तरफ ही होगा। लेकिन यूरेनस और वीनस और यूरेनस, ये ऐसे प्लैनेट हैं जो अलग तरीके से घूमते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अपना रोटेशन करते हैं, समझ आया। तो इस बातों को भी याद रखिएगा कि ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो एंटी क्लॉकवाइज अपनी रोटेशन करते हैं। तो देखिए, सबका अलग अलग ही है, ये रोटेट भी करते हैं और रिवोल्यूशन भी करते हैं। रिवोल्यूशन अगर हमें अर्थ के बारे में जानना है, क्योंकि अर्थ से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, अर्थ के रिगार्डिंग ही पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, अर्थ के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कि अर्थ क्या करता है, 365 डेज में एक रिवॉल्व करता है, एक बार रिवॉल्व करता है, रिवोल्यूशन करता है। इसका कितने दिनों में, 365 डेज में एक बार रिवोल्यूशन करता है, यानी सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, और कितने दिन में,
365 डेज में, और रोटेट कितने करता है यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या हो रही है रिवॉल्व। अब यहां पर रोटेशन, रोटेशन कितने करता है 24 घंटे में, यानी कि एक दिन समझते हैं ना, एक दिन में वो पूरा एक बार रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, कौन अर्थ। और अगर इसके बारे में कुछ और जाने, ये टिल्टेड है, कितने एंगल बनाता है यहां से, ये अर्थ हमारी ऐसे है तो ये 23.5 टिल्टेड है डिग्री, टिल्टेड है जो कि अर्थ है। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक सैटेलाइट भी है जिसको हम मून बोलते हैं। अब मून का कैसे हुआ ओरिजिन, मून का देखो ये सन की भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसके जो भार है एटमोस्फेयर है, तो वहां पर भी एटमोस्फेयर को भी किसने पकड़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने। जैसे कि इसकी भी कुछ लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, जो हम अगले यूनिट में डिस्कस भी करेंगे, तो इसकी अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको मून ने क्या करा, मून को इनने जकड़ा हुआ है। तो मून भी सन के, ओ सन बोल रहा हूं, अब मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ के क्या, मून भी चारों ओर चक्कर लगाता है, और ये अर्थ किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, सन के, रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्व करता है, तो ऐसे ही ये चलता रहता है। अब यहां पर एक मून है, यानी कि ये एक मून को ही अपनी ग्रेविटेशनल के फोर्स से ये पकड़ा हुआ है जो कि अर्थ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, और प्लेनेट पे अलग अलग मून है। अब वो कैसे, अब जिनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जिन्होंने जिसने को पकड़ लिया उतने ही उनके हो गए, तो ठीक है यही समझ में आया। तो अर्थ के पास तो एक ही मून है, हमारे पास एक ही मून है क्योंकि हमने एक ही को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट कर रखा है, और जो कि रिवोल्यूशन भी करता रहता है। तो ये बात क्लियर हुई होगी आपको कि अर्थ के बारे में हमने थोड़ा जाना, सोलार सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना, ये क्या होता है सोलार सिस्टम, ये सब चीजें जान चुके। अब आते हैं हमारे टीटीएस बोर्ड रूल। अब टीटीएस बोर्ड रूल क्या होता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो टीटीएस बोर्ड रूल हमारा ये बताता है कि जितनी दूरी मरकरी की सन से है, इससे डबल दूरी अगले प्लैनेट की होगी, यानी इससे डबल, यानी कि इतनी और दूसरे, यानी इतनी, अब इतनी दूर किसकी होगी, वीनस की, यानी दूसरे प्लैनेट की, यानी कि इनकी डबल डबल दूरियां बढ़ती रहती है सन से। तो यही हमारे को बताता है टीटीएस बोर्ड रूल। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम आते हैं कि हमने पहले बचपन में हमने ये जाना था, अभी तो हमारे 8 प्लैनेट है, लेकिन बचपन में हमने क्या जाना था कि हमारे 9 प्लैनेट थे, यानी कि प्लूटो भी एक प्लैनेट था। तो क्या हुआ प्लूटो के साथ, आज वही डिस्कस करेंगे हम, प्लूटो को क्यों हटा दिया गया। तो बेटा 2006 में IAM ने कुछ हमारे को कंडीशन बताई, क्या कंडीशन बताई कि अगर कोई भी प्लैनेट इन कंडीशनों को फुलफिल करेगा तो ही वो प्लैनेट माना जाएगा, अदरवाइज वो प्लैनेट नहीं होगा। तो कुछ कंडीशन लाया जिसके जिसकी वजह से प्लूटो बाहर हो गया हमारे प्लैनेट से। क्यों बाहर हो गया, क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा था। क्या क्या कंडीशन थी, आइए उनको भी समझ लेते हैं। देखो कंडीशंस टू बी अ प्लैनेट, तो प्लैनेट बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है, 3 कंडीशंस थी, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइए, इट मस्ट बी ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि इसकी एक ऑर्बिट होनी चाहिए। ऑर्बिट का मतलब यानी कि ये, यानी कि वो सन के चारों ओर घूमना चाहिए, उसकी एक ऑर्बिट होनी चाहिए जो कि वो चारों ओर रिवोल्यूशन करे, प्लैनेट रिवोल्यूशन करे, उसकी एक खुद की ऑर्बिट होनी चाहिए। तो पहले तो कंडीशन ये थी, और दूसरी कंडीशन क्या थी उसकी, इट मस्ट बी अ मैसिव टू बी अ स्फीयर अंडर इट्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके अंदर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए थी कि वो एक स्फीयर बना सके। ये देखो सब स्फीयर के पार्ट में, यानी कि वो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी होनी चाहिए थी कि वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होकर एक स्फीयर बना सके। तो ये दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन में क्या था कि इट मस्ट नॉट बी इंटरसेक्ट द ऑर्बिट ऑफ द अदर प्लैनेट। तो क्या, यानी कि देखो ये अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं, ये किसी और की ऑर्बिट पे तो आते नहीं आते ना, जब तो ये प्लैनेट है। तो क्या था कि वो किसी और की ऑर्बिट को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि सन के चारों ओर घूम रहे, अब ये सैटर्न इस ऑर्बिट पे नहीं आ सकता, यानी कि ऐसे नहीं घूम सकता। तो तीसरी कंडीशन यही थी कि कोई भी ऑर्बिट किसी और के प्लैनेट को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, अगर वो कर रहा है तो वो क्या है, वो प्लैनेट नहीं है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।